आप सभी को प्रियंका यादव का प्रेम भरा नमस्कार। आज नजर के आज के एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं रेवाड़ी की माउंट एवरेस्ट विजेता तथा नारी शक्ति और भारत गौरव से सम्मानित सुश्री सुमिता सिंह चौकन से। इससे पहले कि हम आपको मिलवाएं सुमिता सिंह चौकन से, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए मैं मिलवाती हूं आपको रेवाड़ी की एवरेस्ट विजेता सुश्री सुनीता सिंह चौकन से। हमारे यूट्यूब चैनल एक नजर में सुनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं थोड़ा सा आपके बारे में, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में जानना चाहूंगी कि किस तरह की फैमिली, जैसा कि हमें पता चला है कि आप गुज्जर फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो किस तरह की फैमिली से आप बिलोंग करती हैं और आपके इस जो सोसाइटी है इसमें क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े वो थोड़ा आप हमें बताइए। देखिए, मैं गुज्जर कम्युनिटी से हूँ, आपको पता चल ही गया है। पापा मेरे BSF में थे, अभी 2012 में रिटायर आए हैं, और मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं, भैया मेरे BSF में हैं, और मेरी छोटी सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं गुज्जर फैमिली से हूँ और 2011 में मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। सो एवरेस्ट क्लाइम करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे अपनी कम्युनिटी से पंगा लेने में और वो चीज़ जो मैंने अब तक की है उसको सक्सेस करने में लगाया है, क्योंकि गुज्जर कम्युनिटी में आज भी बाल विवाह एग्जिस्ट करते हैं, बाल विवाह होते हैं। और जब मैं एवरेस्ट पे गई थी तो मैं दो बैनर लेके गई थी, एक पे लिखा था स्टॉप चाइल्ड मैरिज और दूसरा था आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। सो उसमें था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं एवरेस्ट के बारे में सोच सकूँ और उसे क्लाइम कर सकूँ। सो इसके लिए डायरेक्टली उन्हें थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि गर्ल्स कितनी, मतलब सेक्स रेशो की अगर आप बात करें तो कितनी कम हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम पैदा हुए थे उस टाइम ये चीज़ नहीं थी, ये प्रॉब्लम उस टाइम भी थी, बट येस जितनी आज ये चीज़ सबको नज़र आ रही है उस टाइम भी इतनी नज़र नहीं आ रही थी। सो उस टाइम मेरे पेरेंट्स के पास भी ऑप्शन था कि अगर वो चाहें अबॉर्शन कराना या उस टाइप का कुछ चाहें तो वो मेरा भी कर सकते थे, बट उन्होंने मुझे पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि आज मैं वो सब चीज़ें सोच सकती हूँ, वो सब चीज़ें कर सकती हूँ जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी या किसी गुज्जर कम्युनिटी में सोची भी नहीं जाती। तो आपकी बेसिक जो एजुकेशन है वो सुनीता जी कहाँ से हुई, आपके गांव से ही हुई या आपने कहीं और से आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पापा मेरे BSF में थे, तो मेरे जो बेसिक जो 6th-7th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशन जो है वो यहीं पर रेवाड़ी गांव से ही हुई है। उसके बाद की जो एजुकेशन है, पापा की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होते गई वहाँ वहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई। तो स्कूलिंग मेरी KV से है और ग्रेजुएशन और मास्टर्स मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। ओके, तो जैसा कि आपने ये फील्ड चुना है जो क्लाइंबिंग का, आपने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है और भी आपने ऐसी जो माँ बेटी, आपने लास्ट टाइम जो क्लाइंब किया था उनको माँ बेटी का नाम दिया था, ये फील्ड आपने कहाँ क्यों चुना और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा की जहाँ तक बात है तो मेरी जो दादी हैं, अभी शी इज नो मोर, तो जब मेरी दादी का जो गाँव है वो अरावली माउंटेन्स के बीच में था, तो जब मैं उनसे मिलने जाती थी तो उनके साथ जाती थी उनके घर, तो तब क्लाइम करके जाना पड़ता था। तो ये जो क्लाइंबिंग जो है मेरे अंदर, वहीं से मैंने सीखा और वहीं से मेरे अंदर ये चीज़ आई है। उसके बाद ये प्रोफेशन मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरे को ये पसंद था और इसीलिए मेरे को ये पसंद था इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और जहाँ तक बात है माँ बेटी पिक जो मैंने क्लाइम किया, मैंने 2015 में एक्चुअली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा में इंडिया में आया, और 2015 से ही मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और जस्ट टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने दो माउंटेन्स क्लाइम किए, उनको मैंने माउंट माँ और माउंट बेटी नाम दिया। ये माउंटेन्स वो माउंटेन्स थे जो इससे पहले कभी किसी ने क्लाइम नहीं किए थे, और जो अनक्लाइम्ड अननेम्ड माउंटेन्स होते हैं, जब पहली बार कोई इन्हें क्लाइम करता है तो वो इन्हें अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। सो जस्ट टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए मैंने माउंटेन्स को माउंट माँ और माउंट बेटी नाम दिया। माउंट माँ की हाइट छोटी है, माउंट बेटी की हाइट ज़्यादा है, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी उससे आगे जाए, इसलिए माउंट माँ की हाइट छोटी है और बेटी की ज़्यादा है। तो आपने जो ये क्लाइंबिंग की और आपकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, आपने जो भारत गौरव और ये जो नारी शक्ति अवार्ड, आप हरियाणा में इधर से पहली हैं जो जिनको नारी शक्ति अवार्ड मिला, इसमें आपका जो फैमिली का है वो काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो आप सबसे ज़्यादा इसके पीछे किसका सपोर्ट मानती हैं?
देखिए कुछ चीज़ें जो आप लीग से हट के जो काम करते हैं या वैसे भी अगर आप लीग में रह के भी कोई काम करते हैं तो यस, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो ही आप ये सब चीज़ें पॉसिबल कर पाते हैं, अदरवाइज तो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो भी नहीं हो पाती हैं। तो यस, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था, मेरी मम्मी का फुल सपोर्ट था। पापा ने तो स्टार्टिंग में एक बार मना भी किया था, बट मेरी मम्मा ने कहा था कि नहीं, यही एक ज़िंदगी है और यही टाइम है, जो तुम कुछ करना चाहती हो अगर तुम हासिल कर सकती हो तो यही टाइम है, यही करो। सो वो किया मैंने और मैंने वो चीज़ पॉसिबल कर ली जो मेरे लिए इम्पॉसिबल थी। और यस, ये बात भी सच है कि नारी शक्ति अवार्ड मुझे ही अकेली अब तक हरियाणा से पहली लड़की जिससे मिला है। भारत गौरव काफ़ी लोगों को मिल चुका है और 2012 में चुका है। तो आप एक सशक्त बेटी भी हैं और एक रेवाड़ी की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आप अपने समाज को अपनी बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बेटियों को मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगी कि मेरे देश की बेटियों में वो सारी ताकत है, वो जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, जो उन्होंने सपना सोचा है, जो उन्होंने सोचा है कि वो ये चीज़ हासिल कर सकती हैं या उन्होंने सोचा है कि वो ये करना चाहती हैं, तो जो भी आपने सोचा है आप उस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हो। सिर्फ दो ही चीज़ें आपको करनी है, एक निरंतर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है और दूसरा है कंटिन्यू एफर्ट के साथ साथ आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जनरली हम लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके हम गिव अप कर जाते हैं और वहीं से जो हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं वहीं से वो चीज़ हमारी ड्राइव हो जाती है, दूसरी तरफ चले जाती है। ओके, थैंक यू सुनीता जी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू प्रियंका। जैसा कि हमने जाना, श्री सुमिता सिंह चौकन अभी अपनी साइकिलिंग यात्रा पूर्ण करके अभी अपने शहर लौटी है, तो उनकी इस यात्रा के बारे में डिटेल से जानने के लिए आइए हम चलते हैं श्री रोटेरियन श्री नवीन अरोड़ा जी के पास। नवीन जी, मैं आपको लगभग 10 सालों से पीछे जानता हूँ, आप रोटरी क्लब में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो इस बार कुछ आपने ऐसा है कि रेवाड़ी से बाहर कुछ करके दिखाया, जैसे सुनीता जी जो एवरेस्ट क्लाइंबर हैं, एवरेस्ट पर चढ़ी हुई हैं, उन्होंने साइकिल यात्रा चालू करी थी और 45 दिन के आसपास वो सोमनाथ से चलकर पशुपति तक उन्होंने अपनी पूरी करी। तो जैसा सुनीता जी का कहना है कि आपका इसमें बहुत अहम रोल रहा कि हर स्टेज में हर राज्य से यात्रा चलती गई, उनको सहयोग मिलता रहा, वो आपने कैसे प्लानिंग करी? ऐसा जी, सिर्फ शुरू में तो एक ही भावना थी कि सुनीता को जो उसकी इच्छा है वो पूरी करनी है और हम उसमें उसका कैसे सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको वो सारी सुविधाएं और जो उसको अपना एक्सपेडिशन पूरा करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो उसको कम से कम प्रोवाइड हो, चाहे वो सरकार प्रोवाइड करे, चाहे फैमिली, चाहे जैसे सोशल संस्थाएँ जो भी हैं, जो भी उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकती हैं वो उसमें करें। सुनीता जी मेरे से पिछले 1-1.5 साल से टच में थी, तो मुझे लगा कि इस बार इनके एक्सपेडिशन में मुझे इनको सपोर्ट करना है। उस वक्त प्लान ये था कि सपोर्ट करना है, कैसे होगा क्या होगा ये सोचा था कि हम विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको करते जाएंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे आपने वही बताना चाह रहा हूँ। फिर हमने पहले रूट जो था इसका वो एक बार एनालाइज किया, अरुण भाई को मैंने बुलाया अपने साथ, हम दोनों बैठे, सुनीता भी उस दिन हमारे साथ ही थी, हमने सबसे पहले रूट देखा और रूट के अंदर फिर हमारा रोटरी का एक होता है सॉफ्टवेयर है ROW करके, उसके अंदर हर एरिया के जो क्लब्स होते हैं उसके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज उनकी डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर सब अवेलेबल रहते हैं। तो हमने ये ट्राई किया कि चलो इस बार हम ROW के थ्रू कंसर्न जो रूट है उस पर हम जाते हैं और एक एक प्रेसिडेंट का और जो भी है उनसे हम बात करते हैं। हमारे रोटरी की खूबसूरती है के वर्ल्ड के 192 कंट्रीज में आज रोटरी रिप्रेजेंट कर रही है। आपको सिर्फ वहां पे कंसर्न पर्सन का फोन नंबर लो, आपको सिर्फ ये बताना है कि हम रोटेरियन फ्रॉम दिस क्लब फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट, और वो आपको दूसरे दिन में ऐसा हो जाएगा जैसे आपके सालों से रिलेशन है। तो यही तजुर्बा इस बार हमें फिर हुआ जब हमने उस रूट पे जितने भी क्लब्स थे उनको एक एक करके अरुण भाई ने जिम्मेदारी ली और एक एक करके हमने उनको टच करना शुरू किया, तो इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला, एक ऐसा फैमिली टाइप एनवायरनमेंट बन गया कि जो है सुनीता के लिए लोग बाग सुबह 4 बजे उठ के साथ लेके जाना, फिर अगले जब तक कोई टीम नहीं आती तब तक उन्होंने सपोर्ट करना, फिर अगली टीम को हैंडओवर करके फिर आगे जाना, उसके पर्टिकुलर स्टे का खाने का पीने का बिल्कुल घर का खाना जैसा चाहिए वैसा तैयार होता था, फैमिली एनवायरनमेंट में रहते थे। तो ये एक हमारे लिए भी बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। इसी संदर्भ में रोटेरियन अरुण जी का तो अरुण जी आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा सीखने को मिला
और एज ए रोटेरियन मैं हमेशा मतलब कि अपने रोटरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर ही हम काम कर रहे थे, तो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जाके जब हमने काम किया 11 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70 से ज़्यादा क्लब होते हैं, तो 11 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व थी, 100 क्लब इन्वॉल्व थे, तो ऐसा व्यवहार बन गया कि कोई भाभी है, कोई बहन है, कोई किसी को बिटिया बोल रहे हैं, किसी को फादर बोल रहे हैं, तो मतलब इतना अच्छा चैलअप हो गया। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था रोटरी यूनिटी रोटरी के नाम से, तो वो आज भी चल रहा है और उसमें सभी 100 से ज़्यादा क्लबों के मेंबर्स, प्रधान, सेक्रेटरी उसके अंदर हैं और आज भी हम बात करते हैं, अपने प्रोजेक्ट शेयर करते हैं। तो एक नया एक्सपीरियंस बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके हमें मिला, जो हम कहेंगे कि जिंदगी में कभी भी हमें इस तरह का एक्सपीरियंस शायद आगे भी शायद नहीं मिल पाएगा। और रोटरी एशिया के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट हुआ है और आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता बहुत आसानी से कोई दूसरा ये प्रोजेक्ट कर पाएगा। 5,000 किलोमीटर सोलो साइकिलिंग जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट और 100 क्लब इन्वॉल्व थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं और नवीन जी सुबह से शाम मतलब उनसे 15 से 20 बार हम फोन पे बात करते थे, सारी प्लानिंग करते थे, फिर सुनीता जी को शाम को सारी प्लानिंग के बारे में बताना, अगले दिन कहाँ जाना है, कितने बजे शुरू करना है, कितने किलोमीटर चलना है, कहाँ पे हाइट आएगी, कहाँ पे डाउन आएगा, कितनी स्पीड पे चलाना है, क्या खाना है, सारा कुछ डिस्कशन यहीं से रेवाड़ी से मैं और नवीन जी हम कोऑर्डिनेट करके और उनको बताते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी इस तरह का एक्सपीडिशन करने का मौका मिलेगा एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर। तो हमारे सुनीता के इसी अभियान के बारे में रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान और PRO याद सुगंध जी का कहना है, जिनका एक्सपीडिशन में काफी अच्छा अनुभव रहा है वो हमारे साथी हैं याद सुगंध जी, जो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब वो अमरनाथ की यात्रा पे ना गए हो। मेरे जहाँ तक मेरा अंदाजा है पिछले 25-30 सालों से लगातार यात्रा करते आ रहे हैं, तो क्या मेरा सोचना सही है? देखो पवन जी, आप सोच तो सही रहे हो। वैसे मेरे को अमरनाथ यात्रा करते हुए 39 साल हो गए हैं और मुझे भी पहाड़ों पे चढ़ने का शौक है, ट्रैकिंग का शौक है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। बाकी उतने साधन मेरे पास नहीं कि मैं एवरेस्ट फतेह कर सकूँ। मैं फिलहाल रोटरी क्लब रेवाड़ी में इनका सदस्य हूँ और जो है सामाजिक कार्यों में इसी के थ्रू काम कर रहा हूँ। मतलब रोटरी को बढ़ाने में आपका अच्छा रोल रहा है, इस वक्त PRO का रोल मेरे ख्याल शायद आप अदा कर रहे हैं लगातार। 1995 में ये क्लब बना था। अच्छा, मैं लगातार PRO का ही काम कर रहा हूँ। बीच में 2012-13 में मुझे प्रधान बनने का मौका भी मिला, तब मैं इस क्लब को काफी ऊंचाइयों पर लेके गया। उसी साल 2,500 से ज्यादा ब्लड यूनिट हमने इकट्ठी की थी, उसके बाद जो है लगभग 1,000 यूनिट हर साल हम इकट्ठी करते रहते हैं। तो अब मैं रोटरी क्लब रेवाड़ी के प्रति समर्पित हूँ, जो मेरे से बन पड़ता है मैं पूरा इसके प्रति समर्पित हूँ। चौकन से हम जानते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, आइए तो उनके अनुभव हम शेयर करते हैं उन्हीं के साथ। अब सुनीता जी पे हम आए, सुनीता जी ने जो साइकिल यात्रा चालू करी थी पिछले 45-46 दिन तक सोमनाथ से लेके और उधर तक पशुपति नेपाल तक की यात्रा तय करी, तो एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा सुनीता जी कि आपने केंद्रीय विद्यालय से मेरे ख्याल से +2 करी है, तो केंद्रीय विद्यालय जहाँ तक मेरा मानना है कि एक अच्छा ऑलराउंडर देता है, बजाय एजुकेशन फील्ड को छोड़ के एक अच्छा ऑलराउंडर देता है। और शायद मैं आपको बता दूं कि मैं भी केंद्रीय विद्यालय प्रोडक्ट ही हूँ, केंद्रीय विद्यालय से ही निकला हुआ, तो इस ड्यूरेशन में आपके मन में विचार कैसे आया कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना चाहिए या मुझे एडवेंचर करना चाहिए, जबकि लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनने की तमन्ना रखते हैं, तो आपने स्पोर्ट्स को ही क्यों आगे चुना? देखिए, मैं पहले स्पोर्ट्स में थी और मैं एथलेटिक्स में पहले बचपन से थी, उसके बाद मैं टेनिस में आ गई और उसके बाद धीरे धीरे एडवेंचर की तरफ भी मेरा रुझान हुआ और फिर मेरे को क्लाइंबिंग अच्छी लगने लगी, फिर मैंने क्लाइंबिंग में अपना कोशिश की और मैंने एवरेस्ट किया। अभी आजकल मैं साइकिलिंग कर रही हूँ और अभी रिसेंटली मैंने कन्याकुमारी टू काजीरंगा किया था 2017 में, और उसके बाद अभी मैंने ये सोमनाथ टू पशुपतिनाथ किया है, जिसमें कि रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी में इंडस्ट्री 3011 ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और मैं खुद भी एक रोटेरियन हूँ और इसी क्लब से हूँ, सो वहाँ से मेरा जो है ये साइकिलिंग स्टार्ट हुई, उनका सपोर्ट था। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी रोटरी क्लब, जो मेरा रूट था उसमें जितने भी रोटरी क्लब्स आए उन सबका सपोर्ट मिलता गया और मैं सक्सेस। फिर आगे आपके क्या एम्बिशन है? देखिए, आगे बहुत सारे हैं, हर रोज एक नया दिल में कुछ नया आता रहता है, पर जब स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो हमारा एपिसोड कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।